नादिर के साथ सारा बजट कर लूंगी मैं। आपका प्यारा मुंह बोला दोस्त बेटा सालार भी तो है, केटरिंग वगैरह वो देख लेगा। और थोड़ी हैरानी सी। इतने अच्छे अच्छे कपड़े कौन लेकर आया? आपकी भी मम्मा? अच्छा सुनो, तुम्हारे लिए चाय लाऊं? नहीं, मैं चेंज कर लूं, फ्रेश हो जाऊं। तो ये वाली भी अच्छी है। ईमान जी, मुझे भाई तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था सारी सिचुएशन संभालने के लिए। ये मेरी तरफ से छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन। अरे प्लीज नहीं, मना मत करना प्लीज, हमारी खुशी के लिए और हमारे बेटे के लिए ही तो है ये। थैंक यू, लेकिन आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा। देर सवेर तो हो ही जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा हूँ। ये दोनों तो मेरी जिंदगी हैं। Excuse me. I'm so sorry. Hello? हाँ। I'm so sorry. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्यों? क्या हुआ? सब खैरियत तो है? देखो, तुमने मुझे कहा 26 को तुम्हारा इवेंट है। अब मेरे कजन को लगा कि वो फ्राइडे को है। अब भी उसकी कॉल आई और वो कह रहा है कि संडे को तो सब कुछ बुक है। नहीं नहीं, अब 26 संडे मैंने क्लियर किया था। अच्छा मुझे बताओ, 25th कर ले, दैट सैटरडे, डज दैट वर्क? फ्राइडे के अलावा पूरा वीक बुक्ड है। नहीं हो सकेगा, हाल जमील भाई भी शहर से बाहर हैं और इतनी जल्दी तो अरेंजमेंट भी नहीं हो सकेंगी। I'm so sorry, मान। मैं अभी अपने ताया के घर जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ, उनके बेटे के होश ठिकाने लगाती हूँ। नहीं नहीं प्लीज़ नहीं, प्लीज़ नहीं। आई नो तुम सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। ओके, मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ मैं। तुम प्लीज़ परेशान मत होना, आई विल मैनेज। प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मैं भी देखती हूँ। थैंक यू, हाफिज। यहाँ क्यों बैठ के काम कर रहे हो? भला किचन में भी कोई काम करता है? कुछ गिर जाएगा, लैपटॉप खराब हो जाएगा। काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो आपकी पिक्चर अपलोड कर रहा हूँ बाबा के फेसबुक से। क्या आप क्या कर रहे हो? ये क्यों? आपकी कल एनिवर्सरी है ना उनके साथ, तो मैंने सोचा कि बाबा के फेसबुक अकाउंट से आपकी बेहतरीन किस्म की पिक्चर अपलोड करूं, एक जबरदस्त किस्म के कैप्शन के साथ अपलोड हो। एक मिनट, मैं आपको पढ़वाता हूँ, ये देखिए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। ज़ैन, अगर तुमने ये छिछोरा स्टेटस डाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। टू लेट, स्टेटस तो अपलोड हो चुका है। इन फैक्ट शैला आंटी का लाइक भी आ गया इसमें। हाय मैं मर गई। हेलो, शैला का फोन आ रहा है। शैला का क्या बोलूंगी मैं, क्या कहूंगी? तो उठाए ना, रिसीव करें। क्या उठाऊं और क्या रिसीव करूं, क्या बोलूं कि मैं अपनी बात से फिर गई हूं? क्यों उठा रहा है? मत उठा, छोड़ दे। एक मिनट, अरे छोड़ दे। हेलो ना जी, अस्सलाम वालेकुम शैला आंटी, कैसी हैं आप?
नहीं नहीं वो अम्मी का फोन इधर ही चार्ज पे लगा हुआ था तो मैंने कहा क्या उठा के आपसे बात कर लूं। नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा, मैं ऐसा करता हूँ मैं अम्मी को लेकर आपके पास आऊंगा परसों। इनफैक्ट मैं अम्मी को ये भी बता दूंगा कि आपको कॉल भी कर लें। ठीक ओके बाय। क्या मुसीबत है यार, बस झूठ नहीं बोला मैंने, आई विल टेक यू देयर, लेकिन ये शादी वादी की बात ना कीजिएगा आप उनसे प्लीज। भाई आपकी दोस्त है, उसके पास जाएं, जाके कुछ एंजॉय करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें ना उनके साथ। वैसे भी मैंने कल आपका और पापा का डिनर भी बुक कर लिया है, एनिवर्सरी डिनर मेरी तरफ से। Urgent required lawn banquet hall on Sunday 26 July for nearly 100 people. ठीक है। सैलेड को देख लेना। अच्छा कहाँ जा रहे हैं अब? अब बैठो ना मेरे पास बातें करते हैं। कमाल है, अपनी मर्जी है तो बैठा है, अपनी मर्जी नहीं है तो चला गया। ये भी लड़का अजीब ही। हेलो हाय ज़ैन बात कर रहा हूँ। ओह जी 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 अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आपकी मैंने पोस्ट देखी थी कराची प्लेसेस फॉर रेंटल पे, मुझे लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप कैसे? असल में मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसकी बहुत से बैंक्वेट हॉल्स और लॉन्स हैं कराची में। इनफैक्ट उसने मुझे कल एक जगह ऐसी दिखाई भी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। मजे की बात यह है कि वो अभी तक लॉन्च भी नहीं हुई तो बुकिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं इट्स ओके, मैं मैनेज कर लूंगी। क्यों, हैव यू फाउंड द प्लेस? नहीं नॉट येट, लेकिन मिल जाएगी। मिल तो रही है, फिर इनकार क्यों कर रही है? आपका मसला भी सॉल्व हो जाएगा और मेरे दोस्त का फायदा भी। मुझे बताएं क्या मैं कल देख सकती हूँ? बिल्कुल, मैं ऐसा करता हूँ कि उसको कॉल करके जो भी टाइम कंफर्म होता है आपको टेक्स्ट कर लेता हूँ। ओके थैंक यू, यू आर ऑलवेज वेलकम। मुझे आपका वेन्यू समझ आ गया है, बस प्लीज मेक श्योर कि जो डेट मैंने आपको कही है वो लॉक कर लें। डोंट वरी, मैंने डेट लॉक कर दी है। और हाँ मौसम की फिक्र मत कीजिएगा, वी विल यूज मोर की फॉर यू। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मे बी मुझे इनवाइट करके, मजाक कर रहा हूं। मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा और बारिश की भी प्रेडिक्शन है। आपका घर भी यहाँ से दूर है, कैन आई ड्रॉप यू होम? नहीं नहीं इट्स ओके, मुझे वैसे भी अकेले ट्रैवल करने की आदत है, मैं चली जाऊँ। अरे नहीं लेकिन आई इंसिस्ट, वैसे भी बारिश होने वाली है, ऐसे अकेले सैन, मुझे दूसरों की गाड़ी में जाना पसंद नहीं है, आई एम नॉट रियली कम्फर्टेबल। और फिर कौन सी मेरी जिंदगी की पहली बारिश है? जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज बहुत तेज बारिश की प्रेडिक्शन है और आपका घर भी यहाँ से बहुत दूर है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपको बार बार इनकार करें, प्लीज चलें। आपको अगर मेरी गाड़ी में नहीं बैठना तो मैं ऐसा काम करता हूँ कि मैं कैब मंगवा लेता हूँ आपके लिए। अरे नहीं ये मैं कर सकती हूँ। जी मुझे पता है कि आप ये कर सकती हैं, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि आप खैरियत से घर पहुँच जाए। घर पहुंच के मुझे बता दीजिए कि प्लीज। श्योर।
बाबा अस्सलाम वालेकुम। अरे बेटा कहाँ हो तुम, इतनी तेज बारिश हो रही है। बाबा वो बस वेन्यू का थोड़ा सा मसला हो गया था इसीलिए। अच्छा खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब सॉल्व हो गया है। मैं आपको एक एड्रेस भेज रही हूँ, आप प्लीज सवेरा की सास और जमील भाई को भेज दें, ऐसे ना हो कि वो फिर कोई बहाना तलाश कर लें। तो बेटा अगर कोई मसला हो गया था तो मुझसे भी शेयर कर लेती, ये नादिर को ले जाती ना साथ। नादिर अपनी अम्मी के साथ कहीं गया था, और फिर दो लोग एक ही मसले को सॉल्व करते उससे बेहतर नहीं है कि मैंने अकेले ने कर लिया। अच्छा चले अब तो सॉल्व हो गया ना। बाबा फोन की बैटरी लो है, मैं आपको कॉल करूंगी। मैं अभी गूगल पे रास्ता देख रही हूँ, बस मैं जल्दी पहुँच जाऊंगी, परेशान मत होइएगा। अल्लाह हाफिज। बेटा अरे अभी खाना ऑर्डर किया था कि बारिश शुरू हो गई, नहीं ज्यादा बारिश, तौबा तौबा। अभी निकलने का कोई फायदा नहीं है, बाहर बहुत ट्रैफिक होगा। तुम कहीं बाहर हो? जी एक जरूरी काम से निकला था, फिर अभी तो घर वापस पहुंचने वाला हूं। आप देख लीजिएगा अगर ट्रैफिक का यही हाल रहा तो मामू सईद के घर चले जाइएगा। इसी फेज में है ना उनका नया घर। अच्छा चले मुझे एक जरूरी कॉल करनी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जो भी प्लान आपका बनता है मुझे बता दीजिएगा, मैं वहीं पर आ जाऊंगा आप लोगों के पास। अरे नहीं नहीं तुम फिक्र नहीं करो, हम मैनेज कर लेंगे। और तुम बस घर पहुँच के ना मुझे एक मैसेज कर देना, बस ऐसी फिक्र रहेगी मुझे। ठीक है ओके खुदा हाफिज। आप मेन रोड से अंदर की तरफ क्यों टर्न हो गए? आगे ट्रैफिक जाम आ रहा है गूगल पर। कहाँ? मेरे पास तो नहीं आ रहा। और जब ट्रैफिक आता तो फिर टर्न कर लेते ना, आपने अभी से क्यों टर्न कर लिया? आप प्लीज मेन रोड पे ले लें। मैडम पहली दफा इस रूट से नहीं आया, मुझे पता है कहाँ से शॉर्टकट लेना है, आप आराम से बैठे। तो बात करने की तमीज नहीं है? गाड़ी आपकी होगी, राइड मैंने बुक की है, आप प्लीज मेन रोड पे ले लीजिए। मैडम गाड़ी मेरी है और रूट भी मैं डिसाइड करूंगा, आप खामोश होकर बैठे, ज्यादा चिक चिक नहीं करें। भाई आप कौन से रूट पे जा रहे हैं ये देखें, ये तो वो रूट ही नहीं है। आप प्लीज उस तरफ ले लीजिए, ब्लॉक 6 उस तरफ है। बाबा अब तो ईमान का फोन भी बंद हो गया है, पता नहीं कहाँ फंस गई है वो। मैं नादिर को फोन करता हूँ, फिर हम दोनों जाके देखेंगे। जाएंगे कहाँ, ऑफिस थोड़ी गई है वो। लगता है आ गई, मैं देखती हूँ। Everything's okay? आप जैसे ही लोग होते हैं जो रिक्शे और टैक्सियों में आते हैं और हमारी गाड़ी में मजे से बैठकर हमारे खिलाफ पोस्ट लगाते हैं। अब फजूल बहस क्यों किए जा रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूं कि आप टर्न करें और मेन रोड की तरफ ले लें। क्या कर रहे हैं? वो
नादिर से बात हुई थी, वो कह रहा था कि ईमान जी घर नहीं आए। आलम साहब आपका फोन भी नहीं लग रहा था, मैं काफी परेशान हो गया था। अभी कुछ देर पहले ईमान से बात हुई थी, कह रही थी कि वो रास्ते में हकीके के लिए कुछ लॉन देखने के लिए गई थी, वहाँ कोई मसला हो गया था। ये देखो बेटा, उसने भेजा है, पता भी भेजा है, ये देखो। दरअसल बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, मैं देख के आता हूँ। बेटा मैं भी चलता हूँ ना साथ। नहीं आलम साहब, पानी बहुत जमा हो गया है, आप घर पे ही रुके, मैं देख लूंगा। मान आ गई है, लो लाइट भी चली गई, एक दफा उसे कॉल करके तो देखूं, शायद फोन ऑन हो गया हो। आ गया तुम्हारा मेन रोड, चलो बुतरो, किसी और को रास्ता बताना। ये कहाँ उतार रहे हैं आप मुझे? वही जहाँ जाने के लिए कब से मेरा दिमाग खाया हुआ था, चलो बुतरो। हाय, मैंने गाड़ी घर तक के लिए बुक की है, आप मुझे घर पे ड्रॉप करें। आगे पानी बहुत है, मुझे नहीं जाना, अपना सामान उठाओ और उतरो मेरी गाड़ी से। अगर पानी बहुत है तो आपको राइड लेने से पहले सोचना चाहिए था ना, आप प्लीज मुझे घर पे ड्रॉप करें, आप मुझे यहाँ नहीं उतार सकते। फजूल बकवास बंद करो, उतर रही हो या नहीं मेरी गाड़ी से? परेशान हो रहे होंगे, आप उनको कॉल भी कर दीजिएगा, जैसी बारिश खत्म होगी मेहरबान आप आपसे कॉल। चल चलो।
तुम्हारी जुरत कैसे हुई है मेरी गाड़ी को हाथ लगाने की? अगर 5 मिनट में गाड़ी घर ना पहुंची तो तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। जी भाई। आप अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई और आपने एक बदतमीज ड्राइवर को सबक भी सिखाया। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता आपने किसी किस्म की कोई जिद की थी। आपके कुछ उसूल हैं और आप उन पर डटी रहीं। भाई आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं हूं ना यहाँ ईमान के साथ। जी अल्लाह ने बड़ा करम किया, बस बारिश जैसे ही थमती है मैं खुद छोड़ने आऊंगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं। अरे शुक्रिया की क्या बात है, ईमान हमारी भी तो बेटी है। जी जी बिल्कुल, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। जितनी जल्दी हो सके उसे वापस ड्रॉप कर दीजिएगा, ऑलरेडी रात बहुत हो चुकी है, आप समझती है ना? मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, आप बेफिक्र रहे मैं खुद छोड़ने आऊंगी। जी बेहतर, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। जी खुदा। आइए बेटा मैं आपके कपड़े भी चेंज करवा दूं ऊपर कमरे में चल के। मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूं। वो रबिया तो चली गई होगी ना, मैं ऐसा करता हूं हम सबके लिए चाय बनाता हूं। उसे मैंने भेज दिया था जैसे ही बारिश शुरू हुई, उसकी माँ अकेली होती है घर में। आइए आइए। कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। आप ये ड्रेस पहन लीजिए। भाई मैं तो साड़ियाँ पहनती हूँ इसलिए मैंने शाइस्ता का सूट निकाल के दे दिया, ये आ जाएगा। अच्छा आप चेंज करें, मैं नीचे ज़रा चलती हूँ, तब तक नमाज पढ़ लूँ, ठीक है? और ये वॉशरूम है साथ में, ठीक? तो सेकंड मुझे ऐसे लगे जैसे मम्मी वापस आ गई। Are you comfortable? मैं कोई हेल्प करवा दूं? अरे नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम कह रहे हैं मेहमानों से किचन में काम नहीं करवाते, लाउंज में ही बैठे हैं। अगर मानो आपने आपको यहाँ पर काम करते देख लेना तो मेरी शामत आ जाएगी। प्लीज हम चले ऐसे करें, ये मैंने फ्राई कर ली है, आप टेबल पे ले जाइए प्लीज। जैन
जी वो मैं कुछ कहना चाहती थी आपसे। जी जी वो थैंक यू वेरी मच एंड रियली सॉरी मुझे आपसे जिद या बहस नहीं करनी चाहिए थी। जितना बेबस और मजबूर मैंने आज खुद को महसूस किया उतना शायद कभी भी नहीं किया। पता है उस वक्त मुझे सिर्फ मेरे बाबा का ख्याल आ रहा था कि अगर अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका ख्याल कौन रखेगा। आज सिर्फ आपने मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी फैमिली को बचाया। पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता मैंने आपको बचाया है। आपने खुद अपने आप को बचाया। आप अपने राइट्स के लिए खड़ी हुई और आपने एक बदतमीज ड्राइवर को सबक भी सिखाया। और दूसरी बात ये है कि मुझे नहीं लगता आपने किसी किस्म की कोई जिद की थी। आपके कुछ उसूल हैं और आप उन पर डटी रही। एंड फॉर दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। जैसी लड़कियां बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं मुझे पूरी यकीन है कि आपके फादर भी आप पर बहुत ज्यादा फख्र करते होंगे। इसलिए कभी भी अपने राइट्स या अपने उसूलों के लिए डटे रहने पर आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। ले जाइए। आप मैं चाय लेके आता हूँ। बहुत अच्छा है और तुम तो दिखो नहीं करो रेड कलर बहुत अच्छा। चलो जाओ अब जाके खेलो। भाभी मुझे भी एक कप चाय मिल जाएगी। दिमाग थक गया है बारिश में फंसे फंसे। लेकिन शुक्र है सबके कपड़े आ गए। ऑन के कीके का सूट लिया दिखाओ तो। ऑन ये अनवन कौन है भाई? आपका पोता ऑन। दरअसल उसे इतने दिन वहां हो गए थे तो ईमान उसे ऑन कहना शुरू हो गई तो जोया ने उसका नाम रख दिया। अच्छा है ना? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सुन रहे हो जमील? यानी खानदान का पहला पोता और नाम कौन रख रहा है? किसाली। अकीका कराने के बदले में हमारे पोते का नाम रख रही हैं आज। कल मेरे ख्याल में वो हमारे घर के मामलात में भी मुदाखलत करना शुरू हो जाएंगे। अम्मा माँ है वो, उसकी वो नाम रख सकती है। अच्छा बहुत अच्छे। एक बेटा हुआ है तो बहू में इतनी अकड़ आ गई। और तुम्हें क्या कहूं?
में तो कुछ नहीं कह सकती क्योंकि तुम तो हो ही चूरू के गुलाम। लेकिन बात सुनो, ये जो बेटा हुआ है ना, ये मेरी दुआओं मन्नतों मुरादों से हुआ है, वरना उनके घर में बेटा है कब? मैं चाय लाती हूँ। इतने दिनों बाद बारिश हुई है, कोई पकौड़े ही बना लेती। सारा दिन तुम्हें बाजार में लेके घूमा हूं मैं, टके का ख्याल नहीं है तुम्हें मेरा। जितना कर लो तुम्हारे लिए, पलट के कभी मेरे साथ अच्छा मत करना। तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई था इसीलिए नहीं बनाए। वो 2 महीने पुरानी रिपोर्ट है, और तुम बहस क्यों करने लग जाती हो? जितना कहा जाए उतना कर लिया करो। थोड़े से तेल में बना दो उसे पकौड़े, जाओ। जी। सुनो, ये ले जाओ अपनी सड़ी हुई चाय। और तुम दोनों तेरे होश के ना हों लो, ये जो तुम अपनी बेगम के मैके वालों को दबा के शॉपिंग करवा रहे हो, तो इर्द गिर्द वालों का कोई ख्याल नहीं है। अम्मा कितना ख्याल करना है, थोड़ी हमारी भी तो इज्जत नफ्स बरकरार रहने दें। बहुत अच्छे, जहाँ तक हमारी बात है ना, तो हमने इज्जत और नफ्स दोनों को बरकरार रखा है। सवेरा को तो तलाक हो गई थी ना। अम्मा, सवेरा भाभी का सिर्फ निकाह हुआ था, और अगर मुल्क से बाहर जाके एक लड़का एक लड़की को तलाक के पेपर्स भेज दे, तो इसमें किसका कसूर है, लड़की का या लड़के का? यार 1000 दफा कहा है अम्मा मैंने तुम्हें, ये तलाक की बात क्यों ले आती हो बीच में, सब मूड खराब कर देती। भाई मैं तो तुम्हारे भाई को समझा रही हूँ कि हम इतने भी विलन नहीं है जितना इसने समझा हुआ है। चलो खैर, फोन कर देना दोबारा, इनवाइट कर लेना समीर को। कर ये शादी हो गई तो ना जगह हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। समीर आ रहा है कल पाकिस्तान, देता हूँ दावत उसे। और तुम बीवी के अलावा भी इधर उधर कुछ देख लिया करो। आग लग जाती है इसको, बीवी के मुतालिक कोई बात ना करो। अपने घर की हैं जी, तो ये भी अच्छा। ये अरे गरम गरम चाय। आगे गरम चाय। भाई गरम गरम चाय तो तुम ले आए, लेकिन जो दोपहर को चाउमीन बना कर गए थे, अगर वो भी गरम करके ले आते तो मजा ही आ जाता। अरे वाह भाई वाह। चलो भाई आप ट्राई करो जरा जैन के हाथ का बना हुआ चाउमीन, ये इसकी स्पेशलिटी है। Really? आपको कुकिंग का शौक है? अरे नहीं नहीं, बस मजबूरी थी। भाई जब पढ़ रहा था तो जितने पैसे कमाता था उससे ज्यादा खाने में लग जाते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हांडी और चम्मच से दोस्ती कर ली जाए। और फिर ऐसा ऐसा शौक भी डेवलप हो गया। अरे भाई मैं तो कहती हूँ कि हर लड़के को 1 साल के लिए जरूर बाहर भेजना चाहिए, ये औरतों और मर्दों के कामों की तारीफ सब हवा हो जाती। अरे भाई आज तो लगता है बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, जरा शहजाद को फोन करके पता तो करो वो लोग कहाँ रह गए। जी फोन मेरा किचन में, मैं लेके आता हूँ। ये देखो अल्लाह के काम, हमारा दोबारा मिलना ऐसे लिखा था। मुझे तो आप पहली दफा में बहुत अच्छी लगी थी, और आपके वालिद वो भी बहुत अच्छे इंसान है। हम तो सोच रहे थे आप लोगों को खाने पे बुलाएं किसी दिन, लेकिन जैन ने बताया कि आपको भी थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मुझे ऐसी लड़कियां जो अपने फैसले खुद करती हैं बहुत पसंद है। आपसे एक बात कहूँ? हाँ बेटा। आप बहुत स्वीट हैं। अरे बेटा तो तुम्हारी मोहब्बत है।
भाई शुक्र है कि जैन वापस आ गया। हाँ जैन तो आ गया। मैं जरा गार्ड से जनरेटर के बारे में पता कर लूँ। बारिश बहुत है, पता नहीं। हाँ उससे कहें कि बिजली का कोई भरोसा नहीं है तो पेट्रोल इनाफ होना चाहिए। ठीक है, मैं उतरने की कोशिश करती हूँ। फल्ला की बारिश। हस्बैंड के साथ डिनर पे क्या गई? औलाद को भूल गई ना आप? हाय मत पूछो डिनर का। हस्बैंड के साथ डिनर पे गई थी। हस्बैंड पूरा टाइम दोस्तों से फोन पे बातें करते रहे। सच्ची लग रहा था जैसे वजीर आजम को इन्होंने ही कुर्सी से उतारना है। सारी दुनिया के नेटवर्क डाउन, बस इनके दोस्तों के चल रहे थे। बस क्या डिनर था, कितनी बारिश हो रही है, मैं हैरान हूँ। अल्लाह, अरे लो भाई, शुक्र है ये लोग भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम। मान सलाम कर रही आपको। वालेकुम अस्सलाम। गाड़ी की चाबी को हाथ लगाने की औकात नहीं है ना तुम्हारी, उसको घर से लेकर जाने की जुर्रत कैसे की तुमने? अगर तुम्हें इस घर के एक छत के नीचे रहने की इजाजत दी है ना, तो अपने आपको मालिक मत समझना। शेरू जल्दी ले से, तीन चार दिन बस पे धक्के खाएगा तो उसकी औकात याद आएगी। थोड़ी